पहुंच चुके हैं रोहतास जिला स्थित अमियावर गांव में। वही अमियावर गांव जिसको 10 दिनों पहले आदि श्रीवास्तव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उनके सीने में 1-2 गोलियां नहीं 8 गोलियां लगभग दाग दी जाती है, और उनके न्याय के लिए कैंडल मार्च निकलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हालांकि एक व्यक्ति की उसमें गिरफ्तारी हुई है, और ये भाई हैं, युवा भाई, वही भाई जिन्होंने अपने जवान भाई को कंधे दिया है, और ये बुजुर्ग पिता जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में ये भी देखना पड़ेगा कि जिस बच्चे को मैं पाल पोस रहा हूँ, खिला पिला रहा हूँ और जवान कर रहा हूँ, इसी कंधे पर शव को ढोना पड़े, शमशान ले जाना पड़े। तो एक देख सकते हैं बुजुर्ग पिता किस तरह से नजरें गड़ाए बैठे हैं न्यायालय के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि कब कातिल फंदों पे, फांसी के फंदों पर लटके और कब इंसाफ मिले। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि घटना के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना इनको पुलिस प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, क्या लगता है इनको कि न्याय मिल पाएगा, या यूं ही जैसे कि अपने सिनेमा में देखते होते हैं तारीख पे तारीख या जांच के नाम पर पुलिस समय ही ले रही है। चाचा तो बड़ी दुख है, लेकिन कैसा लग रहा है, पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं है हम। संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो अपने मन से कर रही है काम। अब हम तो भाई पब्लिक पिता हैं, हम तो चाहेंगे कि अभी तुरंत उसका निर्णय हो, लेकिन हमारे साथ उस तरह का नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति के साथ उसमें गिरफ्तारी हुई है जो 8-9 नामजद थे, वो है, लेकिन जो असली है वो तो नहीं हुआ है, उसकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपके बेटे थे, जिम चलाते थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके पुत्र जो सुरक्षित नहीं है, अन्यथा आप सुरक्षा के भी उपाय करते, कभी ऐसा लगा कि नहीं लगा कि? कभी वो ये नहीं सोच रहा था कि हमें भी कोई मारेगा, क्योंकि आम आदमियों के सारा इस रोहतास जिला में कौन नहीं उसको जानता था, आ इतना फेमस आदमी को वो सब जमीन विवाद को लेकर मार दिया गया है उसको। जो बालू घाट वाला झगड़ा लड़ाई हुआ था एक बार, वही कब्जा कर रहा था, आया था कहा कि जहां हम बैठ जाते हैं वो हमारा रहता है, उसके बाद किसी को नहीं। इसी बात से लेकर उसको इस तरह से परिणाम लगभग ये घटना हमको लगता है कि दोनों तरफ से केस वगैरह हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर के शायद मामला, दिसंबर का मामला। तो इस घटना के बाद आपने कभी पुलिस प्रशासन को अवगत नहीं कराया कि मेरे बेटे को सुरक्षा चाहिए या ऐसे हो सकता है? ऐसा नहीं, FIR हुआ था, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया। अब कैसे खत्म हो जा रहा है क्या, अब मेरे बेटे को ही अरेस्ट करने के लिए वो पुलिस आई थी उस समय। बुजुर्ग हैं, दो पुत्र थे आपके, एक पुत्र तो बेचारे चले गए, एक ये भी हैं, हमने सुना था कि भी दुखी रहते, कह रहे थे गांव छोड़ देंगे, क्या करेंगे आप लोग कैसे, कि अगर गांव छोड़ दीजिएगा तो कौन गांव में रहेगा? नहीं छोड़ेंगे तो हमारा इस बेटा का भी जान चला जाएगा, डर के सहयम में जी रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम क्या पूरा गांव जो डर के संयम अति में जी रहा है। अगर कोई न्याय के, हम तो भाई पिता हैं, हमारा बेटा है, तो हम तो हर हालत में चाहेंगे कि हमारा बेटा बचा रहे, एक तो चला ही गया। एक पिता बाल पोस करके, पाल पोस करके बच्चों को जवान करता है, युवा करता है, शादी ब्याह करता है ताकि बुढ़ापे के लाठी का सहारा मिले, और वही पिता जब कंधा दे करके नदी तक ले जाता है शमशान तक, क्या बीत सकती है तो समझ सकते हैं, लेकिन कितनी कार्रवाई की मांग करते हैं और क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम न्याय मिलना चाहिए हमको, और क्या चाहेंगे, सजा देना चाहिए ताकि वैसा हाँ। सबक ले सके। अगर इस तरह की परंपरा बनी रही कि मारो और बचो केस लड़कर, तो कोई किसी को मार देगा। आपकी कभी इस उम्र में दुश्मनी रही कि नहीं गाँव में किसी के साथ झगड़ा? आज तक से नहीं थी, वो उससे भी नहीं थी हमको, लेकिन जब जमीन का विवाद आया तो हम उससे उठना बैठना बोलना सब छोड़ दिए और मेरे बेटे पर ऐसा अटैक कर दिया। मेरा बेटा अभी खड़ा ही हो रहा था और उसकी सारे उसकी जो पत्नी आई थी वो भी अपने डिलीवरी से थी मर गई,
और उसके बाद इसका मौत हुआ। अच्छा, आपके बेटे की पत्नी भी थी? हाँ, डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। हाँ, पहले वो मर गई। यानी कि आपने दो दो दुख झेल लिया इस उम्र में? इसी उम्र में हम सब, अब इसको हम बचाना चाहते हैं, इस लड़के को। क्या नाम है चाचा? नागेंद्र प्रसाद सिन्हा। नागेंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं, और एक पिता का दुख एक युवा जवान युवक समझ सकते हैं, और वो समझ सकते हैं कि कितनी दुख होती है एक पिता को जब अपने कंधों पर एक बेटे का शव ढोवे और अपने सपनों को दाह संस्कार करे बेटे के साथ साथ। ये भी भाई हैं, और कहते हैं कि बड़ा भाई एक पिता तुल्य होता है, और पिता के न रहने पर वो सारी कमियाँ को पूरा करता है। भाई जी नहीं रहे, कितनी कमी महसूस हो रही है आपको? कमी क्या है, शुरू से वही सब कुछ किया है, तो अब क्या कहें, कमी सब कमी ही कमी है उनके वजह। मतलब पिता की तरह आपको छात्र छा देते थे? पिता से ज्यादा मानते थे। यानी पिता मानते थे आप अपने भाई को, बड़े भाई को? बड़े भाई करते ही थे, एक बार न्याय तक का ख्याल रखते थे वो, क्या घटा है क्या बढ़ा है क्या नहीं करते थे। अब वो मार दिया तुरंत, उसकी औरत भी धमकी दे दी चुनाव में ही कि तुमको चुनाव के बाद हम देख लेंगे। चुनाव बीता नहीं, महीना दिन भी नहीं, वो मार दिया सब प्लानिंग करके। एक भाई की आंखें तब नम हो जाती है जब अपने बड़े भाई पिता तुल्य की अर्थी देके आया हो, और वो सपने सजाया हो कि हम दो भाई मिल करके इस घर परिवार को स्वर्ग बनाएंगे। कितना न्याय, आठ लोगों का आपने नामजद किया है शायद? जी, सात आठ लोग ऐसे हैं। आठ आदमी का, एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, एक का हो चुका है। क्या मांगे हैं पुलिस प्रशासन से? अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है या कार्रवाई चल रही है? हमने सुना आज एसडीआर भी सटा है, तो कितनी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? अभी फिलहाल नहीं है कुछ भी ऐसा संतुष्टि हमको नहीं है। जब रिजल्ट अच्छा आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। अभी पुलिस कभी मिलने आते हैं, बताती है कि हम कहां तक पहुंचे या कार्रवाई में? कुछ जानकारी नहीं दी जाती, वो कहते हैं कि हम कार्रवाई हो रही है बोला जाता है, बस इसके आगे कुछ जानकारी नहीं मिलता हम लोगों को। खबरें चलाने की बड़ी मकसद ये भी थी कि कई लोगों ने कहा कि मीडिया वहां पे उस दिन गई थी, बाद में नहीं जा पाई, लेकिन इनके भाई को न्याय के लिए हम भी प्रयासरत हैं कि जो भी कातिल हो उसको सजा मिले, लेकिन बुरा नहीं मानेगा। एक सवाल और भी है कि क्या जिन जिन लोगों के साथ आपके भाई की झगड़ा हुई थी, आप उन्हीं को नाम दिए हैं या अलग से किसी के साथ आपकी दुश्मनी? स्टार्टिंग में पिछली बार भी आप केस में देखेंगे उठाएंगे तो वही नाम है। खबर बनाए थे लेकिन नहीं, वही नाम है सेम, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से जोड़ के दें, जो है वही है। पूर्ण विश्वास था कि जो उस पर झगड़ा किए थे घाट में फैटा फैट वगैरह जो हुआ था, वही लोग हैं बिल्कुल वही लोग ही हैं, और हमारा कोई दुश्मनी नहीं था कि हम किसी को कहें। हम बता रहे हैं विश्वास की क्या बात है, जब उसकी पत्नी रोक कर रास्ता में कह रही थी चुनाव बाद हम तुमको बताएंगे, इसी गांव में नासी गांव जिम से लौटते समय भाई के साथ जी, वो फोर व्हीलर से थी, ये टू व्हीलर से अपने बाइक से आ रहे थे, उसी टाइम रोक के, कहाँ रुकी ये तो बयान नहीं बताए, लेकिन बोले कि देखो उसकी औरत ना हमको ऐसे ऐसे बोल दिया, तो हमने बोला कि जल के थाना में बोल दिया था, अरे छोड़ औरत है बौखलाई हुई है केस। भैया ने इस बात की चर्चा की थी हम लोगों से? किया था, लेकिन हम लोगों ने भी उसको सजाई, चलो औरत है बौखलाई होगी, हम लोगों ने उस समय समझा नहीं, हम लोगों को लगा कि चलो बोल दी। अब थाने में सूचना नहीं दी? नहीं दे पाए हम लोग, थोड़ा सा यहाँ हम लोग चुक गए, और अगर भीतर से लेते तो शायद उसमें भी हाँ बहुत कुछ हो सकता था। पिछली बार हम लोग ने डाला था लड़ाई के दौरान, लेकिन पुलिस उतनी एक्टिव नहीं थी, तो हम लोगों ने भी थोड़ा सोचा कि छोड़ो जान दो, झगड़ा होता है। वर्बल स्टेटमेंट को इस माना नहीं जाता, मान्यता नहीं दी जाती है एज पर लॉ, ये बोलते हैं हमारे एसपी साहब। स्टेटमेंट वर्बल अगर हम कहते हैं, ये व्यक्ति कहते हैं कि हम आपको मार देंगे जान से, आप कहीं मिलेंगे तो हमारे सुरक्षा के दायित्व तो प्रशासन के पास है, तो हम प्रशासन ने कहेंगे कि फलना चाचा बोले हमको मारने के लिए? वो बोलते हैं कि कोई रिटर्न में अगर तुमको धमकी दिया है क्या, ये फॉल्स भी हो सकता है ये आपका। कौन बोला आपको? आज ही हमारी ये एसपी से बात हुई है। सच्चाई है जो आप बोल रहे हैं? बिल्कुल। कोई रिटर्न में देकर के मारता है क्या? वे बोलते हैं कि एविडेंस चाहिए हमको उसको। ये बात हजम नहीं हो रही, एक एसपी साहब आप ये क्लेम लगा रहे हैं कि रिटर्न में कोई धमकी देगा, तो ये बात आप सच बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही। खबरें चलेंगे तो आपसे पूछताछ कोई ना करने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला है? हाँ, वो है कि एविडेंस दीजिए, आप मुझे एविडेंस दीजिए कि किसी ने धमकी दिया है या किसी ने ये दिया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दीजिए या समथिंग एविडेंस दीजिए। हाँ तब कार्रवाई होगी। कभी आपने सुना है कि कोई लिख देता है कि आज हम आपको मार देंगे कल मार देंगे? अब हमने तो नहीं सुना है, लेकिन हमने आज सुना इस चीज को। चलिए, गमगीन माहौल है, और एक भाई को गुजरे हुए अभी 10 दिन भी हुए हैं, दिया जल रहा है, एक भाई पूजा करके आए हुए हैं, मैं ज़्यादा समझ नहीं ले पाऊँगा। मांगे क्या हैं पुलिस प्रशासन से?
बस फांसी उसको चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय में उसको सिर्फ फांसी ही चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो आगे भी ये कार्रवाई करेगा। ये आगे भी लोगों को धमकी दे रहा है इस तरह का कार्य, कोई जुलूस में आ रहा है तो उसको भी धमकी दे रहा है कि प्रोटेस्ट करने जा रहे हो हम गांव में वापस नहीं आएंगे क्या, इस तरह का धमकी भी दिया लोगों को कॉल कर करके, व्हाट्सएप कॉल किया वो। चलिए पुलिस प्रशासन अपना काम करे तो बेहतर है, लेकिन हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि एक भाई की नम आँखें, एक पिता की नम आँखें गुहार लगा रही है कि कब मेरे पुत्र को, मेरे भाई को न्याय मिले, ताकि पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे।